समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। सामाजिक संस्था लीडर्स आगरा 7 तारीख को सम्मान समारोह कराने जा रहा है। किस तरह का सम्मान समारोह होगा मैं जान लेता हूँ, किस तरह का सम्मान समारोह कराने जा रहा है और क्या एक सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य होगा, किस तरह का एक प्रोत्साहन मिलेगा? लीडर्स आगरा अवार्ड्स का उद्देश्य ये है कि आगरा के नागरिकों में एहसास हो कि हम लोग आगरा के नागरिक हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने के काम कर रहे हैं। हमने इस बार 2 कैटेगरीज और बढ़ाई हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में होगी और एक पत्रकारिता के क्षेत्र में होगी। और मुझे बड़े बताते हुए खुशी है कि लोगों ने चयन किया है, आगरा के एक ऐसे नेता का चयन किया है जो अपने दल के अलावा सभी दलों में सर्वप्रिय है। पुरुषोत्तम खंडेलवाल का चयन हम लोगों ने किया है, पत्रकारिता में हिंदुस्तान अखबार लखनऊ में कार्यरत श्री गोलेश स्वामी जी का किया है, वरिष्ठ चिकित्सक श्री जे एन टंडन साहब का हमने चयन किया है। हमने रावी इवेंट्स के माध्यम से आगरा को एक एग्जीबिशन देने वाले श्री मनीष अग्रवाल का चयन किया है, हमने श्री अजय गोयल पुरुषोत्तम टेंट हाउस वालों का चयन किया है सामाजिक क्षेत्र में, और एक खूबसूरत चयन जो हमने किया है वो प्राइड ऑफ आगरा में किया है, जगवीर सिंह जो हिंदुस्तान के हॉकी टीम के कप्तान हैं और उनको कई पुरस्कार मिले, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ हमने आगरा के नागरिकों को चुनने का कार्य किया है जिससे आगरा में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना और पनपेगी। बिल्कुल, संरक्षक हैं मेरे साथ में लीडर्स आगरा के जी, सर जानना चाहूँगा कहीं ना कहीं ये संस्था निरंतर सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है, सामाजिक लोगों को सम्मान भी कर रही है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का सम्मान करती है, तो एक किस तरह का संदेश जाता है इसमें? संदेश ये जाता है कि लोगों को जो कार्य कर रहे हैं उनको उत्साह बढ़ता है, उनको आगे प्रेरणा मिलती है, उसको देख के और भी लोग इसमें आगे आते हैं, इसी प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं जिससे कि और लोगों को उस लगे कि हमने कुछ किया, उनको हमें सम्मान मिला। इस सम्मान के लिए बेंती माला को हम लेके आ रहे हैं, उससे वो इनको और भी ज़्यादा लोगों को लगेगा कि ऐसे हमें बड़े बड़े खुशी महसूस होगी उनको, ऐसे और आगे और भी लोग ऐसे कर अच्छे कार्य करेंगे। मुख्य मोटो संस्था का जो है वो क्या है इस कार्यक्रम से अलग अगर हट के बात करूँ, क्योंकि आप लंबे समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इसमें जो है सबसे पहले जो विधवा औरतें थी कोई नाबार्ड उनको हमने सिलाई मशीनें बांटती रहती हैं और बांट रहे हैं। दूसरा है एक चला पॉलीथिन से बचाना शहर में हमने, और थैले बांट वितरण करने जा रहे हैं। तीसरा बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो कहना पढ़ने में गरीब बच्चे हैं उनको किताबों और उनके पुस्तकों का भी दी जाती है। इससे तरह तरह के सूर कुटी है, अंधे विद्यालय वहाँ के ना उनके दैनिक का सामान के वितरण किया जाता है, साल में एक दो बार खाने की व्यवस्था की जाती है। आपका रामलाल वृद्धाश्रम है, इसमें भी उनके वृद्धों को खाने का दिया जाता है, उनकी भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं एक क्षेत्र में ही हो, सारे क्षेत्र में ही है। हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने का लीडर्स आगरा का मुख्य उद्देश्य है और करते हैं, और सम्मान के साथ में उनको एक प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा है मेरे साथ में। डॉक्टर साहब, इस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? लीडर्स आगरा का मैं अध्यक्ष हूं, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा। लीडर्स आगरा हर वर्ष आगरा की माटी से जुड़े ऐसे प्रतिभा जिन्होंने आगरा का अपने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य लीडर्स आगरा करती है। अगर हम माटी से जुड़े, आगरा की धरती से जुड़े लोगों को सम्मानित करते हैं तो निश्चय ही उनका हौसला बुलंद होता है और हमारे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और वंदना सिंह है समाज सेविका, जो क्या कहना चाहेंगी, कितना अलग
है और संस्थाओं से, क्योंकि संस्थाएं सब अपने एक समाज सेवा के भाव से काम करती हैं, आपकी लीडर्स आगरा कितना अलग? हमारी लीडर्स आगरा सबसे अलग संस्था है और हम यही कहना चाहेंगे कि जो गरीब लोगों की जो हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और जो हमने ये प्रोग्राम रखा है 6 लोगों का सम्मान कर रहे हैं, हम छोटे वर्ग में कर रहे हैं 4 लोगों का, तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारी मुख्य अतिथि हमाली आ रही हैं, हम उनका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारी आगरे की जनता उनका स्वागत करें और उनको सम्मान दें। आखिरी सवाल लूँगा जैन साहब से, जैन साहब विशेष क्या होगा कम शब्दों? विशेष आगरा के लोगों में ये मैसेज जाएगा कि आगरा में भी हम लोगों का सम्मान करने वाला कोई है, कोई संगठन है, और ये संगठन इसकी हमारी मेन धारा ही यही है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आगरा के नागरिक कार्य कर रहे हैं उनको आगरा की धारा पे हम सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए। तो 7 तारीख को सम्मान समारोह होने जा रहा है लीडर्स आगरा के द्वारा, समाज सेवियों का सम्मान, विभिन्न क्षेत्रों के जो भी लोग होते हैं उनका सम्मान ये संस्था करती है, और समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणीय कार्य करती रहती है। उम्मीद यही करते हैं कि जैसे लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन, कोई भी सम्मान पाकर मिलता है, ये संस्था इसी तरीके से निरंतर कार्य करती रहे लोगों के लिए। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। समाज सेवा में समर्पित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के द्वारा आगरा की पावन धरा पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान दिनांक 11 से 17 जनवरी 2018 समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा। विशेष प्रतिदिन कथा के बाद विशाल भंडारे का भव्य आयोजन एवं कथा के साथ साथ नित्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा, जैसे वृक्षारोपण, हेलमेट वितरण, गरीब महिलाओं को अनाज एवं कपड़ों का वितरण एवं स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण, गायों की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण रक्षा हेतु समाज को जागृत करना इत्यादि। श्री मुरारी लाल गोयल, मैनेजिंग ट्रस्टी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार।